हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो गाइस, क्या आप अपने गूगल पे का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं? क्या आपको डिलीट करना आता है? अगर आप पहले बार यूज़र हैं और आपको नहीं आता कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं और डिलीट होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अपना गूगल पे ओपन करना होगा। यहाँ पर ओपन करेंगे तो हमें सिंपली यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। तो यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो इस तरह के इंटरफेस दिखाई देंगे। उसके बाद देखिए, हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है ऑल ट्रांजेक्शंस। तो देखिए, ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ बिल पेमेंट का है, यहाँ जियो प्रीपेड है, यहाँ जियो प्रीपेड है जो हमने रिचार्ज किया हुआ है। तो इसमें हमने बहुत सारे वर्क किए हैं। यहाँ पर तीन डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए, यहाँ पर सेंड फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन डिलीट हिस्ट्री का ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, जो हमने ट्रांजेक्शन किया है बिल पेमेंट का, वहाँ क्लिक कर लेते हैं। यहाँ अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है कि इसे हम कैसे डिलीट करेंगे। सिंपली ऊपर में यहाँ तीन डॉट दिया हुआ है, यहाँ पर भी क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ सेंड सेंड फीडबैक का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन डिलीट का ऑप्शन दिया नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपने गूगल पे में ट्रांजेक्शन किया हुआ है, वो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये पासबुक की तरह होता है, जो एक बार ट्रांजेक्शन कर दिया उसका हिस्ट्री आप हमेशा के लिए देख पाएंगे। आप जब भी देखेंगे कि हमने किस तारीख को किसे ट्रांजेक्शन किया है, किसको रिचार्ज किया है, किसको मनी ट्रांसफ़र किया है, आप देख सकेंगे। आप इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेना, साथ में शेयर भी कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, वीडियो को यहीं एंड करते हैं।